पहले जोधपुर से निकला हूँ मैं दिल्ली, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी से मिलने के लिए। मैं बता दूं, कांग्रेस एक दल नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन है और मैं उस आंदोलन का एक सच्चा सिपाही, एक कार्यकर्ता। मैं अपने शहर फलोदी की गंभीर से गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए तंग आ चुका हूं। मैं चाहता हूं पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहुल जी गांधी इस बार एक युवा को मौका दें, उनके ऊपर एक बार भरोसा दिखा के दें। राहुल जी, युवा व्यक्ति वो कर सकता है जो एक उम्रदराज व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं निरंतर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ और देखता हूँ कि सेवा करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ, ना ही मैं थकूंगा। कुछ वहाँ पे पार्टी का सिस्टम खराब है, सच्चे कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है वहाँ पे, और मैं निराश होके परेशान होके मजबूरी में राहुल जी आपसे मिलने आ रहा हूँ, अपनी गुजारिश लेके आ रहा हूँ। मुझे फलोदी का पूरा पूरा विकास कराना है। वहाँ कॉलेज की हालत खराब है, पानी गंदा पीने को मिलता है वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था इतनी खराब है कि आज भी मामूली चोट के लिए जोधपुर जाना पड़ता है। नशा इतना फैल गया है वहाँ पे, स्मैक नाम का नशा। कल कोई हमारा फलोदी उड़ता पंजाब ना बन जाए। मैं नहीं चाहता हमारे फलोदी के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो, और लगातार वहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। वहाँ पे निरंतर गांव की सेवा करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, पार्टी की सेवा करता हूँ, और मैं अपनी मजदूरी लेने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक बार बात सुने। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा आप तक पहुँचने में, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे युवाओं को एक बार मौका दें। राहुल जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, एक बार युवाओं को मौका देकर देखिए, हम बहुत कुछ विकास करेंगे। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य पैसे कमाने का बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ सेवा और सेवा करना चाहता हूँ, और मैं इतनी सेवा करना चाहता हूँ कि जो आम जनता राजनीतिक लोगों से घृणा करती है, मैं उनकी मानसिकता बदलना चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसा नहीं होता, सेवा करने के लिए भी लोग आ सकते हैं। मुझे फलोदी की बुरी हालत को देख के बहुत दुख होता है, और मैं वो अपने जीते जी देख नहीं सकता। मुझे फलोदी का विकास कराना है, मुझे फलोदी को चमन करना है, मुझे गर्व है कि मैं फलोदी का हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।